मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है फ्रेंड। फ्रेंड आज फिर से मैं मेरे थोड़े गमले बाकी रह गए थे, इसमें से मैं ये पर्सलिन ये खराब हो गया है फ्रेंड। देखिए इसका सीजन चला गया है तो ऐसे हो जाता है, मर जाता है, थोड़ा बहुत खराब हो जाता है, तो मैं ऊपर से काट के इसे अलग कर रही हूँ। देखिए ये हो गए, ऐसे हो गए हैं। देखिए ये गमला भरा है, मैंने बहुत सारे कर लिए पर थोड़े बहुत मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसमें फूल आ जाता है तो ऐसा हो जाता है, रह जाता है पीछे, तो ये निकाल दीजिए आप और इसे सेव कर लीजिए। तो फ्रेंड सेव करना तो कुछ ऐसा नहीं है, इसी में बस अभी अभी कभी कोई 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 में फूल आता है फ्रेंड, तो बस ऊपर से ये काट दीजिए। तो मार्च फरवरी में फिर से ये अच्छे से ग्रोथ करेगा। अभी भी ग्रोथ तो कर रहे हैं, देखिए नीचे, पर जो ऐसा हो गया है डोरमेंसी में चला जाता है फ्रेंड ये, तो इसे ऊपर से काट लीजिए तो अच्छा रहेगा, तो आपके पास बना रहेगा, नहीं तो ऐसे सूखता जाएगा थोड़ा थोड़ा और बाद में मर जाएगा। देखिए ऐसा हो जाएगा साहब, तो फिर नहीं हो पाएगा फ्रेंड, ये एकदम लूज हो गया, देखिए मर जाए, ऐसा ऐसा हो गया, मर जाए, सूख जाता है। तो आप ऊपर से ये काट लीजिए, मिट्टी भी चेंज कर ले तो भी अच्छा रहेगा फिर, पर मैं मिट्टी चेंज नहीं कर रही हूँ। मैं इसमें से देखिए, मैंने ये प्लास्टिक का गमला था, देखिए इसमें पानी में डालती रही, पीछे पड़ा था तो मैंने देखा नहीं, तो ऊपर लील जम गई, देखिए। तो ये मैंने इसी में से निकाला है, ये रेड कलर का है, पिंक है, वाइट है इसमें, तो ये मैंने ऊपर से काट लिया, अच्छा अच्छा था जो रखा, और जो खराब हो गया था उसे निकाल दिया। इतनी इतनी टहनी होगी तो भी फिर आपको पता ही है हो जाता है। तो अभी डोरमेंसी में चला गया है फिर। इसमें आप फिर से सेव करें तो इसमें खाद मत डालिए, ऐसे ही लगा दीजिए मिट्टी में, तो अच्छे से हो जाएगा। तो फिर मैंने अच्छा अच्छा जो था वो काट के रखा है, और जो सूख गया था उसे निकाल दिया है फिर, तो फिर से मैं लगा दूँगी, पर इसमें खाद नहीं डालूँगी, ऐसे ही लगा दूँगी। देखिए कोई कोई ऐसे अच्छी ग्रोथ भी कर लेता है, यहाँ सूख गया है तो यहाँ से अच्छी ग्रोथ कर लेता है, इतनी छोटी सी टेनी भी हो जाती है ना फ्रेंड, आप सबको पता ही है, मैं क्या बताऊँ। तो फ्रेंड सब में से मैंने ये गमले में से निकाला है और इसको मैंने फिर से लगाया, देखिए एक गमले में था, इसमें चार पांच पौधे थे तो मैंने निकाल दिया, तो ऐसा हो जाता है। देखिए जो यहाँ से काट दीजिए, यहाँ से भी काटना पड़ेगा, और ये डंडी लगा देंगे, इसके दो बना देंगे छोटी छोटी, तो जो खराब हिस्सा है वो निकाल दीजिए, थोड़ा सूख गया, खराब मतलब सूख गया है, इसे निकाल के फिर आप लगा देंगे, हो जाएगा फिर, ये मरेगा नहीं और रहेगा आपके पास, अब ध्यान नहीं देंगे तो धीरे धीरे मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसमें कभी कभी पानी दे दीजिए फिर तो चल जाएगा अच्छे से। ये मैंने सेव करके रख लिया है, मुझे पसंद है बहुत ही, मैंने आपके साथ शेयर किया था, पिंक लाइट पिंक कलर का है ये, इसका सीजन फ्रेंड नहीं है अभी तो अच्छी सी ग्रोथ नहीं करेगा, पर आपको सेव करना है तो इस तरह करिए, रखिए तो अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड जो ये गमला तो पूरा भरा था, इसमें पिंक ऑरेंज वाइट रेड सब कलर के थे, तो ये सबको मैं अब ऊपर से काट के फिर से लगाऊंगी, ऐसा सोच रही हूँ कि लगाऊं या ना लगाऊं, ऐसे रहने दूं, काट दूं तो ऊपर से अच्छे से फिर से ग्रोथ कर लेगा। जो लगाओ आप तो इसमें कुछ खाद मत डालिए, क्योंकि ये डोरमेंसी में है तो इसे खाद की ज़रूरत नहीं फ्रेंड, मैं तो वैसे भी कभी नहीं डालती, जब लगाती हूँ बस तब, बाकी तो कभी मैंने इसमें खाद नहीं दिया है। गर्मियों में मैं जो कुछ लिक्विड खाद देती हूँ तो वो थोड़ा बहुत डाल देती हूँ,
बाकी स्पेशल कोई इसमें मैं ट्रीटमेंट नहीं करती, नहीं कोई खाद देती हूँ, फ्रेंड तो ऐसे ही हो जाता है। ऐसे ऐसे काट कर जो टेनिया सूख गई है, देखिए ये अच्छा है इसका तना, पर ये सूख गया, एक खराब हो गया, इसे निकाल दीजिए, ऊपर से भी काट दिए और ये लगा देंगे, अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो फ्रेंड आज मैं यही कर रहा हूँ, थोड़े गमले मेरे बाकी रह गए थे, मैंने आपके साथ शेयर किया था, देखिए ऐसा हो जाता है फ्रेंड। तो यहाँ से काट देंगे और ये लगा देंगे, अच्छे से ग्रोथ करेंगे। ये पूरा गमला इसमें बहुत सारे फ्लावर आए, अभी भी कलिया है, देखिए ये कली थोड़ा धूप निकलेगी तो खिल जाएगी। 2 दिन से फिर हमारे यहाँ गुजरात की तरफ बारिश का माहौल बन गया है, हमारे उत्तर गुजरात में तो बारिश भी हो रही है फ्रेंड कभी कहीं कहीं पर। अभी भी जो देखिए सूरज नहीं निकला है, 8 बज गए हैं पर सूरज नहीं निकला है, बादल छाए हुए हैं, देखिए मैं दिखा देती हूँ, बादल छाए हुए हैं, सूरज निकला है बहुत थोड़ा उस तरफ, बादल के पीछे छुपा हुआ है फ्रेंड। पता नहीं होता फ्रेंड कभी कौन सा मौसम आ जाए, तो कुदरत ही जानती है, हम तो कुछ नहीं पता। तो फ्रेंड आप इसे इसको सेव करके अच्छे से रख लीजिए, और पानी ज़्यादा नहीं देना है, पानी ज़्यादा देंगे तो खराब हो जाएंगे। कभी कभी दे दीजिए पानी, ऐसा भी नहीं है, पानी तो देना ही चाहिए पर ज़्यादा नहीं, रोज हम जो पौधे को देते हैं ऐसे नहीं देना है। बस ये ऊपर ऊपर से जो खराब हो गया है वहाँ से काट दीजिए, तो उसकी थोड़ी ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। और ये दिसंबर चल रहा है, जनवरी फरवरी में फिर से ये अच्छी ग्रोथ कर लेगा। तब आप निकाल कर अच्छी मिट्टी निकाल दीजिए, अच्छा खाद दे दीजिए, तो अच्छे से फिर से ग्रोथ कर लेगा। फिर ये मरता तो नहीं है, उसी इसकी थोड़ी हम केयर करेंगे तो ये मरेगा नहीं। किसके पास ये है होता है तो मरता नहीं है कभी फ्रेंड, हो जाता है फिर से, एक डंडी भी कहीं से लाए तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर लेता है फ्रेंड, आप सबको पता ही है। वो पिंक वाला था वो मैंने आपको दिखाया, वो मैं एक ही डंडी लाई थी नर्सरी से, तो मेरा ये पूरा गमला है उसने भर लिया है फ्रेंड। देखिए ऊपर से ये सब टिप काट दीजिए, जो इतनी ग्रोथ हो गई है इसे निकाल दीजिए, इसे निकाल कर फिर लगा दीजिए, इसमें से ऊपर से ये काट दीजिए, और ये जितना जितनी डंडिया है इतना ये बना लीजिए। देखिए ये ऐसे ऐसे काट लीजिए, एक हो गया, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 मैंने ये डंडी निकाली है फ्रेंड, ये सब मैं लगा दूंगी, हो जाएगी। मेरे पास बहुत सारे कलर है फ्रेंड, व्हाइट है, पिंक है, रेड है, आपने वीडियो में देखा ही है, येलो है, येलो तो अभी भी आ रहे हैं फ्लावर इसमें, ये पिंक में भी देखिए कलिया बनी हुई है, धूप नहीं है 3 दिन से, बादल छाए हुए तो कलिया नहीं खिल सकती फ्रेंड, तो इतने मोटे हो गए हैं इसे मैं निकाल ले रही हूँ। देखिए ये भी ये नीचे लटक गया है, तो इसे मैं यहाँ से काट लूँगी। कोई कोई नई ग्रोथ भी पकड़ लिए फ्रेंड, देखिए अच्छा है। तो फ्रेंड मैं आज यही कर रही हूँ, इसे सेव करने का और हमारे पास बने रहने बना रहे इसलिए हमें यही करना पड़ता है फ्रेंड, हम ध्यान नहीं देंगे तो ये मर जाएगा फ्रेंड, सूख जाएगा धीरे धीरे, पानी तो इसमें हम कभी कभी दे देते हैं, फिर भी इसका सीजन चला जाता है तो हमें थोड़ा बहुत इसकी केयर करनी पड़ती है। जो फूल लाकर जड़ गए उस टेनी को हम निकाल देंगे, देखिए देखिए अच्छे से हो गया है, अब ये
बीच में से थोड़ी थोड़ी ग्रोथ हो रही है, देखिए ये नए 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 पत्ते आ गए हैं इसमें थोड़े थोड़े। तो फ्रेंड ऐसे ही करिए तो आपके पास बचा रहेगा। और मेरा ये रेन लिली का गमला है, देखिए इसमें भी घास कुछ निकल आया है बहुत। इसे मैं कुछ नहीं करूंगी, जो सूख गया है वो निकाल दूंगी और पानी देती रहूंगी मैं। फ्रेंड ऐसे पौधे होते हैं घास फूस निकल आता है ऐसा, ये जरूर निकाल दीजिए। इसमें बीज बनता है फ्रेंड तो सब गमलों में गिर जाता है, देखिए छोटे छोटे बीज है, ये जरूर निकालना चाहिए। एक बार आ जाएगा गमले में तो ये जाएगा नहीं जल्दी से, निकालते रहेंगे तो ही जाएगा। अभी इसमें बल्ब बनते हैं फ्रेंड, थोड़े थोड़े बने होंगे तो मुझे ये अभी चेंज नहीं करना है, रहने दूंगी ऐसे ही, पानी दे दूंगी मैं, खाद भी नहीं देना है फ्रेंड। जो पौधे फ्रेंड नर्सरी में चले जाते हैं उसे खाद मत दीजिए, क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है, अभी वो आराम कर रहे हैं तो उसे रेस्ट करने दीजिए। फिर देखिए ये मेरे कितना गमला भर गया था, देखिए एक ऐसे ऐसे सूख जाता, यहाँ से नहीं फूटा नहीं यहाँ सूख गया, तो इसे आप काट लीजिए और नया पौधा बना लीजिए, हो जाएगा अच्छा। ऐसे ही निकल जाता है फ्रेंड, ऐसे देखिए ऐसे करते हैं तो फ्रेंड अब मेरा गार्डन थोड़ा सा देख लीजिए, देखिए ये फ्लावर कितना अच्छा खिला, धूप नहीं है फिर भी खिला है। ये लॉलीपॉप देख लीजिए बहुत अच्छे खिले हैं फ्रेंड, देखिए ये बोगनवेल, बोगनवेल तो बहुत अच्छी आई, रेड ये येलो है, पिंक है, लाइट पिंक है, वाइट है, देखिए ये पूरा गुच्छा है। ये गुलाब में मैंने फ्रेंड खाद डाला था तो बहुत ही अच्छी कलियां है, उसका कटिंग भी किया था तो कलियां बहुत आ रही है देखिए छोटी छोटी। और ये देखिए फ्रेंड कनेर का कितना अच्छा फ्लावर है, और ये रेन लिली तो मैं आपको दिखा, सॉरी मॉर्निंग ग्लोरी आपको दिखाती हूँ मैं। और ये देख लीजिए, और फिर एक रेड कलर का गुलाब बहुत अच्छा खिला है, देखिए ये गुलाब, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है फ्रेंड। इसका मुझे कटिंग लगाना है, ये आज खिला है, ये तो खिले हुए ही थे, ये आज खिला है फ्रेंड। और ये देखिए ये चिड़िया आती है, ये पूरा भर गया है देखिए ऑरेंज कलर का, और ये भी देख लीजिए, और मेरे गेंदे के फ्लावर देखिए फ्रेंड, इसमें फिर से नया फ्लावर आया, कलियां बनी हुई है इसमें। और अब मेरे लेमन में हार्वेस्ट कर लूँगी फ्रेंड, इसका मुझे नींबू का अचार बनाना है, बनाऊँगी मैं। सुबह सुबह फ्रेंड गार्डन में मैं बहुत सारा काम कर लेती हूँ, अभी ये धूप नहीं है तो मुझे अच्छा लग रहा है काम करने में। देखिए इसमें ये पत्ते येलो हो गए तो निकाल दो, इसमें खाद दे दूँगी थोड़ा। देखिए फ्रेंड ये नया केला है कितना अच्छा है, सब में फ्लावर आए हैं फ्रेंड, कलिया बनी हुई है। और ये देखिए एरेंथीमम में कितना अच्छा कलर दिख रहा है फ्रेंड, मुझे तो बहुत ही पसंद है। और ये वाइट कलर का देखिए, और फ्रेंड मेरे ये कटिंग मैंने लगाया था वो सब हो गया, देखिए बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर रहा है,
अच्छा रहता है ये कटिंग लगाने का, हमारे पास बना रहता है और कटिंग भी अच्छे से हो जाता है। और इसका कलर देखिए फिर नए पत्ते निकले हैं, देखिए। तो बाय फ्रेंड, मेरा वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बाय।